में बालियां पहनना भारत का एक रिवाज है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के पिता कौन है। यह है ऋषि सुश्रुत, जिन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता, जो कि सनातन धर्म की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक भी मानी जाती है। अब इसके अंदर चैप्टर 16 में जाएंगे तो वहां पर ये बात करते हैं कानों में बालियां पहनने के बारे में। ये कहते हैं कि कानों में बालियां महिलाएं या पुरुष कोई भी पहन सकता है। कानों में बालियां पहनना एक सजावट के साथ साथ सुरक्षा का भी काम करता है। सुरक्षा से उनका जो कहने का तात्पर्य है ना, ये मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की एनर्जी सिस्टम होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जिसे योग में ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है। अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें एक साथ समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो महिलाएं होती है ना, उनको जब कानों में बालियां पहनाई जाती है तो सबसे पहले लेफ्ट कान में पहनाई जाती है, उसके बाद राइट कान में। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे फेमिनाइन होती है, राइट साइड पे मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी का फ्लो बना रहे, इस वजह से पहले लेफ्ट उसके बाद राइट। कि मैंने सिर्फ राइट कान में पहनी है, लेफ्ट में नहीं पहनी है, इट्स ओके हमारे लिए। क्यों? तो जो महिलाएं होती है ना, वो अगले ह्यूमन को बॉर्न करती है, उनको पीसीओडी जैसी बीमारियां होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी वजह से दोनों कान में पहनाई जाती है।